हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड दिस इज देवशीष अवस्थी जैसे आपको पता होगा लास्ट ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में मैंने सब्जेक्ट वाइज आपको करंट अफेयर्स कराई थी दैट इज हिस्ट्री जोग्राफी एनवायरमेंट तो वो सीरीज में दोबारा लेके आ गया हूँ अब मैं ट्वेंटी ट्वेंटी फोर की याद रखिए करंट अफेयर्स कवर कराने वाला हूँ सब्जेक्ट वाइज तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है एंड तक आप देखिएगा और पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा तो मैं हिस्ट्री जोग्रफी इकोनॉमिक्स इंटरनेशनल रिलेशन सारे सब्जेक्ट की करंट अफेयर्स आपको करा दूंगा ओके तो आज मैं आपके सामने

2018 पे उसका डाटा आया था अब 2022 तक का डाटा आ गया है जो अभी 2024 में रिलीज किया गया है ओके तो सबसे पहले इस डाटा के अकॉर्डिंग जो लेपर्ड्स है उसमें इंडिया में लेपर्ड्स की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है कितने परसेंट एट परसेंट इंक्रीज हुई है मतलब 2018 में आप देख सकते हैं 12,852 थी बट अब बढ़ के हो गई 13,874, ठीक है तो ये 2022 में ही ट्वेंटी 2022 तक का ही डाटा अवेलेबल है ओके तो और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट डाटा प्रोवाइड किया है अब आप सोचोगे सबसे ज्यादा लेपर्ड सबसे लेपर्ड किस स्टेट में है तो वो मध्य प्रदेश में है दैट इज अराउंड थ्री उसके बाद महाराष्ट्र कर्नाटक और तमिलनाडु सो ऑन कैरी फॉरवर्ड करते हैं बट सबसे ज्यादा याद रखना आपको मध्य प्रदेश और सेकेंड रैंक पर महाराष्ट्र है तो लेपर्ड इंपॉर्टेंट है एग्जाम में क्योंकि आगे बढ़ते हैं है, याद रखिये इसी लेपर्ड सर्वे के अकॉर्डिंग ही अमराबाद टाइगर रिजर्व न्यूज में आ गया है ये इसलिए न्यूज में आया क्योंकि आप हिंदू का आर्टिकल देखेंगे तो उसमें ये न्यूज में लिखा हुआ था कि लेपर्ड पॉपुलेशन इंक्रीज इन टाइगर रिजर्व ठीक है अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस टाइगर रिजर्व का नाम मेंशन था ओके तो हो सकता है आपसे पूछ लें टाइगर रिजर्व कहां पर है क्योंकि न्यूज में चल रहा है डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है टाइगर रिजर्व किस स्टेट में लोकेटेड है तो करेक्ट आंसर है तेलंगाना तो याद रखना आपको किस स्टेट में लोकेटेड है तेलंगाना में ये टाइगर रिजर्व लोकेटेड है ओके कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए तेलंगाना में एट प्रेजेंट लोकसभा सीट्स कितनी है और राज्यसभा सीट्स कितनी है तेलंगाना में आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे ठीक है देखते हैं कौन कौन तेलंगाना का करेक्ट आंसर दे पाता है ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट क्या है ग्रो रिपोर्ट ये न्यूज में है आप कहेंगे ग्रो रिपोर्ट क्या है फुल फॉर्म बताता हूं ग्रो रिपोर्ट का फुल फॉर्म है ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विथ एग्रो फॉरेस्ट्री ये इसका फुल फॉर्म है तो आपको पहले तो फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए ओके अब आप सोच रहे होंगे ये रिपोर्ट है इसका एक पोर्टल भी लॉन्च हुआ है याद रखिएगा इसको लॉन्च किया है इसकी रिपोर्ट और पोर्टल को नीति आयोग ने दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है उसने इस रिपोर्ट और पोर्टल को लॉन्च किया है आप सोचेंगे इसमें होगा क्या नाम से पता चल रहा है ग्रीनिंग और रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टल को एग्रो फॉरेस्ट्री के थ्रू हम इसको डेवलप करने की बात कर रहे हैं ओके आप एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होती है का मतलब होता है याद रखिएगा आप एग्रीकल्चर भी करते रहिए मतलब अपनी कह रहे स्टॉक भी रखिए और साथ साथ में आप ट्रीज भी ग्रो करिए मतलब ट्रीज प्लस एग्रीकल्चर कह सकते हैं आप ठीक है क्रॉप्स लगाना और ट्रीज लगाना उन दोनों को एक साथ अगर आप करते हैं ठीक है तो इसको कहते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री कि सस्टेनेबल लैंड यूज मैनेजमेंट है जहां पर ट्रीज़ और एग्रीकल्चर को एक साथ किया जाता है इसे एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं एट प्रेजेंट अगर इंडिया की बात करूँ तो एग्रो फॉरेस्ट्री अराउंड 8.65 परसेंट इंडिया के टोटल जोग्राफिकल एरिया में होती है याद देखिए एग्रो फॉरेस्ट्री और दैट इज़ अबाउट अगर, अगर इसको मैं मिलियन हेक्टेयर में कन्वर्ट करूँ तो ट्वेंटी मिलियन हेक्टेयर है ठीक है तो ये ये भी याद रखना पूछ पूछ सकते सकते हैं हैं ग्रो रिपोर्ट का फुल फॉर्म किसकी रिपोर्ट है नीति आयोग ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या व्हाट इज एग्रो फॉरेस्ट्री ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ओके आगे बढ़ते हैं जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मैं बात करता हूं न्यूज में है ज्यूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्यों क्योंकि उसने अभी रिसेंटली डिस्कवर किया है याद कि न्यूली डिस्कवर्ड हेड शील्ड सी स्लग ठीक है और जिसका नाम उन्होंने देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर रखा है ठीक है तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या डिस्कवर किया हेड शील्ड सी स्लग ओके आप उसका नाम देख सकते हैं आगे एंड में उन्होंने द्रौपदी लगा दिया है जस्ट मैंने बताया आपको प्रेसिडेंट के नाम पर रखा गया है नाम इसका मिलेनोक्लेबिस या देखिये मिलेनोक्लेबिस द्रौपदी ये पूरा नाम रखा गया है और प्रेसिडेंट के नाम पर रखा गया है जो कि एक न्यू स्पीशीज है हेडशील्ड सी लाख की ओके आप इसकी मेज देख सकते हैं अराउंड सेवन एम की इसकी साइज होती है ठीक है रेड स्पॉट इसमें अवेलेबल है और ये जो ए, स्पीशीज मिली है ये उड़ीसा और वेस्ट बंगाल याद रखिएगा उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के कोस्ट से मिली है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में क्वेश्चन किससे पूछ सकते हैं ये नाम लिख देंगे आपके सामने पूछेंगे ये है है क्या ठीक आपको चार पांच चार ऑप्शन दे देंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे ये है क्या द्रौपदी आगे लगा हुआ है बट याद रखिएगा ये है क्या क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी अपने एग्जाम में इस साल बनाने के चांसेस थोड़े ज्यादा है ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक बात है नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है सीएमएस कॉप फोर्टीन ये क्या है सी एम एस कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स 2024 इसका भी रिसेंटली कन्वेंशन हुआ पूछ सकते हैं कहां हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है सी एम एस सी ओ पी फोर्टीन जो है वो कहां हुआ ठीक है फोर्टीन सबमिट थी ये याद ये उजबेगिस्तान में समराकंद उजबेगिस्तान में ये सबमिट हुई ओके कन्वेंशन वहां पर हुआ अब जिसको नहीं पता कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटिव स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स क्या है? शायद कन्वेंशन आपने सुना होगा क्योंकि इसका दूसरा नाम बॉन्ड कन्वेंशन है ठीक है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जो कि यू के अंदर ही याद रखिए अंडर द को साइन किया था जिसको हम बॉन कन्वेंशन भी कहते हैं 1979 में साइन हुआ था ओके और 1983 में ये केम इंटू फोर्स आया था ठीक है ये भी आपको याद रखना है अब कहेंगे सर इसमें होता क्या है ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहां पर कंजर्व किया जाता है सस्टेनेबल यूज ऑफ माइग्रेटरी एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स जो माइग्रेटरी एनिमल्स होते हैं उनके हैबिटेट्स होते हैं उनको कंजर्व करने की बात करते हैं सस्टेनेबल यूज करने की बात किया जाता है इस सी एम सी दैट इज कन्वेंशन ऑफ माइडेटी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल या तो शॉर्ट फॉर्म इसको बॉन्ड कन्वेंशन भी कहते हैं अभी इसका कन्वेंशन हुआ है 2024 में तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकते हैं कन्वेंशन कहाँ हुआ है ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं गुप्तेश्वर फॉरेस्ट ये सीधा आएगा क्वेश्चन गुप्तेश्वर फॉरेस्ट कहां पर लोकेटेड है स्टेट्स मेंशन कर देंगे इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा में मेंशन है अब ये न्यूज में क्यों है क्योंकि अभी रिसेंटली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनी है ठीक है उड़ीसा में याद रखिएगा कोरापुर डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा में ये है और ये उड़ीसा की ही फोर्थ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनी है मतलब उड़ीसा की तीन और रह चुकी हैं ये फोर्थ है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो अभी न्यूज में है ठीक है अब आप सोच रहे होंगे बायोडावर्सिटी हेरिटेज साइट ठीक है अफकोर्स इसमें इकोलॉजी इसका बायोडाइवर्सिटी और अगर मैं बात करता हूँ एनवायरमेंट इकोलॉजी की तो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है ओके यहाँ पर जो लिविंग बी लिविंग लिविंग एनिमल्स हैं प्लांट्स हैं सब बहुत ज़्यादा डाइवर्स है इसलिए इसको बायोडावर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है ओडिशा की है अब सोचोगे इसको डिक्लेयर कौन करता है तो मैं बता दूँ ये नहीं पूछा आपसे कि कि स एक्ट के अंदर बट बताए तो अंदर प्रोविजन ऑफ सेक्शन थर्टी सेवन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट टू थाउजेंड टू स्टेट गवर्नमेंट एमपावर है याद रखिएगा स्टेटमेंट क्या बनाएगा यूपीएससी ऐसे कोई स्टेटमेंट बना सकता है यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो चाहे असिस्टेंट कमांडेंट हो सिविल सर्विसेज हो वो आपको स्टेट गवर्नमेंट के लिए लिख देगा सेंट्रल गवर्नमेंट बाकी बिल्कुल लाइन चेंज नहीं करेगा इसमें आप सोचे यार ये स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है बट याद इसको स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर है वो नोटिफाई करता है ऑफिशियल गजेट में और जिसमें लोकल बॉडीज का वो कंसल्टेशन लेता है कि किस एरिया को याद रखिए बायोडाइन

स्टार का स्टार मैट्रिक होता क्या है वो मैं आपको बताता हूं सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था आई यूसी ने इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है उसने इसको इंट्रोड्यूस किया ठीक है ये ये है 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 क्या क्या बहुत सिंपल मैं था आपको जो स्टार मैट्रिक करता है? करता डाटा यूज आई यूसी आई यूसी एक रेड लिस्ट निकालती है ओके okay. तो ये उसी का डाटा यूज करता है आई यूसी रेड लिस्ट का ठीक है उसके अकॉर्डिंग ये क्वान्टिफाई करता है कि कौन से ऐसे लिविंग बींग्स प्लांट्स एनिमल्स हैं जो एक्सटेंशन रिस्क पे हैं ठीक है या थ्रेट है जिनको ठीक है विच आर एक्सटेंशन रिस्क और थ्रेट फेस द स्पीशीज जो थ्रेट स्पीशीज फेस कर रही है उनके बारे में एक तरीके से पूरा इसका डाटा ये यूज करता है आयुसीएन रेड लिस्ट का और ये स्टार मैट्रिक इस चीज को क्वांटिफाई करता है ठीक है अब आपको पता चल गया स्टार मैट्रिक्स से क्वांटिफाई कर देता है इजी वे में बता देता है ओके और ये पहले एक्चुअली सिर्फ टेरेस्ट्रियल एरियाज के लिए ये यूज होता था बट अभी 2024 में न्यूज में इसलिए है क्योंकि अब इसको ऑल्सो इंक्लूड कर दिया गया है मेराइन इको के लिए भी ओके तो याद रखिएगा ये ट्वेंटी में तो इंट्रोड्यूस हुआ था ओनली फॉर टेरेस्ट्रियल इको बट अब ये मेरा सिस्टम के लिए भी वर्क कर रहा है okay? तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आ सकता है, news, okay? ये है क्या ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा जस्ट टू कंफ्यूज आप सोचेंगे स्टार मेट्रिक ये कुछ स्टार से रिलेटेड होगा कॉन्सुलेशन यूनिवर्स रिलेटेड होगा बट ऐसा कुछ नहीं ए, से है ओके okay? तो ये आपको याद रहा इस तरह क्वेश्चन मेरे ख्याल से इस साल यूपीएससी फ्रेम करने के चांसेस थोड़े ज्यादा है ओके okay? नेक्स्ट आता है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2024 ये समिट हुई कहां पर ये हुई 2024 में न्यू दिल्ली में और कौन सा एडिशन था 23rd एडिशन था कौन सा एडिशन था दैट इज 23rd एडिशन पहली बात तो ये इसको देश के वाइस प्रेसिडेंट जो है उन्होंने अटेंड किया कमेंट बॉक्स बताओ हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट ज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे उन्होंने ही वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो न्यू दिल्ली में हुई उसको उन्होंने याद रखिएगा इनोग्रेट किया ओके okay, ये समिट जो है मैं बता दू एक एनुअल फ्लैगशिप इवेंट है किसका

और ये डेवलप की जा रही है किस स्टेट में ये डेवलप की जा रही है इंडिया में उड़ीसा स्टेट में आप सोचेंगे ये क्या है मिले टाइगर सफारी यहाँ पर टाइगर को अगर आप देखेंगे आप देख रहे होंगे यहां पर टाइगर्स आपको दिख रहे होंगे ब्लैक ब्लैक कलर की इसमें धारियां आपको दिख रही होंगी इसी को कहते हैं हम क्या दैट इज थे मिलेनिस्टिक अब मैं आपको समझायाता हूँ क्या देखिए मिलेज्म की अगर बात करें तो एक जेनेटिक कंडीशन है जहां पर क्या होता है मिलेन प्रोडक्शन जो होता है वो बढ़ जाता है ठीक है जैसे टाइगर्स की बात करें तो उसमें मिलेन प्रोडक्शन बढ़ जाता है जिससे कि उनके कलर्स जो होते हैं स्किन जो होती है ब्लैक कलर की हो जाती है ठीक है ऐसे टाइगर्स जो है मैं बता दूं सिर्फ उड़ीसा में मिलते हैं उड़ीसा में भी पाल टाइगर रिजर्व जो है एस टी आर सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है वो कंट्री में ओनली वाइल्ड हैबिटेड है जहां पर आपको मिलेस्टिक रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिलेंगे तो इसीलिए अब इसकी टाइगर सफारी बनाई जा रही है इससे लोग सोचे अभी तक टाइगर देखते थे ऐसे टाइगर भी आप देख सकते हैं तो ये टाइगर्स आपको उड़ीसा में देखने को मिलेंगे ओके तो ये वहां पर टाइगर सफाई डेवलप की जा रही है ओके तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है किस पर ऑन द प्रमोशन ऑफ सी वीड कल्टिवेशन तो पूछ सकते हैं ये सी वीड कल्टिवेशन की पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस कहा हो रही है गुजरात में हो रही है कच्छ इन गुजरात याद रखिएगा कोटेश्वर जगह का नाम है कच्छ में है जहाँ पर ये याद रखें आपको कल्टिवेशन कॉन्फ्रेंस हो रही है तो ओके सी वीड जिसको नहीं पता सी वीड कल्टिवेशन क्या होता है ये जो इस बहुत सारे स्पीशीज होते हैं आप देखते हैं मेराइन एलगी प्लांट्स जो होते हैं पानी में लगे जाते हैं आपने देखा हो पानी में लगाए जाते हैं इसी को हम कहते हैं क्या दैट इज सी वीड कल्टिवेशन तो इसकी ही नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है ऑफकोर्स अब देखिए अलग अलग जगह से यहां से भी आप फार्मर्स जो है अपनी इनकम अर्न कर सकते हैं तो इसके लिए ही कॉन्फ्रेंस की जा रही है ओके चलिए नेक्स्ट बात करता तो हूं मैं इंडिया एनर्जी वीक 2024 ट्वेंटी फोर सीधा पूछाएगा इंडियन एनर्जी वीक 2024 ट्वेंटी फोर हुई या किसने इनागरेट की इसको इनागरेट की देश के प्राइम मिनिस्टर ने सिक्स नाइन्थ फेब ट्वेंटी ट्वेंटी में हुई ये हुई गोवा में याद रखिए कहां हुई है गोवा में और प्राइम मिनिस्टर ने इनागरेट किया इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ओके नेक्स्ट uh, है वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024 ट्वेंटी फोर वर्ल्ड वेटलैंड डे सेकंड फेब को हम सेलिब्रेट करते हैं इस बार की थीम थी वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग थीम याद रखना है और रामसर साइट जो पहले इंडिया में 75 थी वो बढ़ के अब हो गई है 80 याद रखिए कितनी हो गई 80 75 से 80 हो गई है रामसर साइट्स मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं अपने लेक्चर्स नई फाइव एड हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ दो हैं तमिलनाडु से कारावेती बर्ड सेंचुरी और लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट ये दो ऐड हुई हैं दैट इज फ्रॉम तमिलनाडु और तीन कर्नाटका से हैं केरे कंजर्वेशन रिजर्व अ, अनका समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व और याद रखिएगा अघांशिनी ऐश्वरी दैट इज फ्रॉम तमिलनाडु तो तीन सॉरी तीन, तीन कर्नाटका से हैं दो तमिलनाडु से ओके सो टोटल फाइव जो है वो ऐड हो गई हैं तो टोटल रामसर साइट जो इंडिया में हो गई वो एट्टी हो गई है और सबसे ज्यादा रामसर साइट एट प्रेजेंट हो गई है दैट इज फ्रॉम तमिलनाडु सिक्सटीन हो गई है याद रखिए सिक्सटी जो है वो रामसर साइट अब हो गई है तो यह भी आपको याद रखना है ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आता है स्नो लेपर्ड जैसे मैंने अभी लेपर्ड का बताया वैसे अभी स्नो लेपर्ड का भी सर्वे हुआ है ओके स्नो लेपर्ड का पहला साइंटिफिक सर्वे है जो स्नो लेपर्ड पे किया गया है इन इंडिया और वहां पर बताया गया है, इंडिया में टोटल कितने स्नो लेपर्ड है सेवन हंड्रेड एटीन स्नो लेपर्ड्स हैं ठीक है अब इसमें की पॉइंट क्या है सबसे ज्यादा स्नो सब 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 लेपर्ड्स लद्दाख में है 477. फिर आप सोचेंगे सर से सेकेंड लार्जेस्ट जो होंगे वो आपके कश्मीर होंगे ऐसा नहीं है सबसे ज़्यादा लद्दाख में उसके बाद उत्तराखंड में है 124 फिर हिमाचल प्रदेश में देख सकते हैं 51. फिर अरुणाचल प्रदेश फिर सिक्किम जम्मू कश्मीर में तो सिर्फ नाइन है याद रखिएगा तो याद रखना आपको सबसे ज़्यादा स्नोलेपर्ज कहाँ है लद्दाख में और इंडिया अगर देखा है वर्ल्ड के परस्पेक्टिव से अराउंड अप्रॉक्सिमेटली टेन टू फिफ्टीन परसेंट ग्लोबल स्नो लेपर्ड्स पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में है याद रखिएगा तो द एस्टिमेट अकाउंट्स फॉर अप्रोक्सीमेटली टेन टू तो फिफ्टीन परसेंट ऑफ ग्लोबल स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन इन, इन इंडिया ओके तो अराउंड तो इतनी पॉपुलेशन स्नो लेपर्ड की इंडिया में है ठीक है हो सकता है अब फिफ्टी परसेंट लिख के दे तो ऐसा नहीं फिफ्टी परसेंट इंडिया में नहीं है ओके नेक्स्ट ये बड़ा न्यूज में आ रहा है इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल डार्क स्काई पार्क क्या देखेगा इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल डार्क स्काई पार्क आपसे पूछाएगा कहां स्टैब्लिश किया गया है ये स्टैब्लिश किया गया पीटीआर में दैट इज पेंच टाइगर रिजर्व में स्टैब्लिश किया गया है? जो कि बता दूं पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है और वैसे उड़ीसा मध्य प्रदेश में भी इसका पार्ट आता है बट महाराष्ट्र में जो स्टैब्लिश है वहां पर ही इंडिया का पहला इंटरनेशनल डार्क स्काई पार्क को स्टैब्लिश किया गया है ओके ये है क्या डार्क स्काई पार्क होता क्या है याद रखिएगा आपको पता होगा कि आर्टिफिशियल लाइट पोल्यूशन होता है लोग लाइट्स का यूज करते हैं उसी को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आर्टिफिशियल लाइट पोल्यूशन कम हो उसके लिए इस इंटरनेशनल डार्क स्काई पार्क को स्टैब्लिश किया गया है दैट इज एट महाराष्ट्र में और पेंच टाइगर रिजर्व जो है महाराष्ट्र में है इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क बना हुआ है और एशिया का देखा जाए तो फिफ्थ डार्क स्काई पार्क यहां पर स्टैब्लिश किया गया है तो ये न्यूज में है बड़ी अच्छी बात है क्योंकि लाइट में अंधेरे में लाइट पोल्यूशन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए ओके नेक्स्ट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ट्वेंटी ट्वेंटी फोर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं थर्ड मार्च को सेलिब्रेट करते हैं इस बार की थीम आपको याद रखना है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लेनेट इस बार की थीम थी कनेक्टिंग पीपल एंड प्लेनेट पीपी प्लेनेट एंड पीपल ऐसे आप याद कर सकते हो पूरी लाइन लिख के नहीं आएगी एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ये पूरी थीम है बट सिर्फ इतना लिख के आएगा कनेक्टिंग पीपल एंड प्लेनेट आपको याद रखें इस बार की थीम थी ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आता है मिलघट टाइगर रिजर्व ये भी अभी न्यूज में एम टाइगर रिजर्व न्यूज में पूछ सकते हैं किस स्टेट में सिचुएटेड है महाराष्ट्र में सिचुएटेड है अमरावती डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में ये सिचुएटेड है ओके ताप्ती रिवर ए, वन ऑफ द आपको कह सकता हूं मैं इसकी बाउंड्री है टाइगर रिजर्व की ओके सो ताप्ती भी रिवर आपको याद रखना है ओके नेक्स्ट है बो टाइगर रिजर्व बो टाइगर रिजर्व कहां सिचुएटेड है ये सिचुएटेड है महाराष्ट्र में याद रखना है बो टाइगर रिजर्व कहां पर है ये भी न्यूज में चल रहा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से न्यूज में बो टाइगर रिजर्व वन ऑफ द स्मॉलेस्ट है याद रखिए महाराष्ट्र में सिचुएटेड है ऐसे ही रोला पाडू वाइल्ड लाइफ ये कहा सिचुएटेड है ये सिचुएटेड आंध्र प्रदेश में कहा सिचुएटेड है आंध्र प्रदेश में तो ये भी आपको याद रखना कहां सिचुएटेड है दैट इज आंध्र प्रदेश ओके okay? नेक्स्ट कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहां पर है उत्तराखंड में याद रखना है जिम कॉर्बेट आपने सुना होगा उत्तराखंड में सिचुएटेड है ये भी न्यूज में है ठीक है ये भी बहुत न्यूज में तानताई पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओके तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं कहां सिचुएटेड है तमिलनाडु में ठीक है तो ये कुछ नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व अभी ट्वेंटी में न्यूज में थे वो मैंने यहां पर कवर कर दिए ओके तो, तो ये थी पूरी एनवायरमेंट 2024 की जितनी भी न्यूज़ में चीज़ें थी वो मैंने सारी एनवायरमेंट की कवर कर दी है अगर आपको पसंद आया हो तो आप हिस्ट्री के ज्योग्राफी के इंटरनेशनल रिलेशन नेशनल अफेयर्स ये सारे सब्जेक्ट वाइज भी मैं आपको करंट अफेयर्स करा सकता हूँ ओके ये भी आपको हेल्प करेगा एग्जाम्स में तो अगर आपको ऐसी करंट अफेयर्स भी चाहिए है, करना क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ये लेक्चर कैसा लगा है इसी तरह मैं अदर सब्जेक्ट्स के भी आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर दूंगा ओके okay? ये इनिशिएटिव पसंद आया आपको हेल्प हुई हो आपके करंट अफेयर्स सेक्शन में हेल्प हुई हो आप हमें कुछ डोनेट करना चाहते हैं हमारा क्यू कोड है फोन पे पेटीएम गूगल पे नंबर भी मैंशन है इफ यू वॉन्ट टू डोनेट टू एस आप डोनेट कर सकते हैं ये एक वॉलेंटरी डोनेशन है इफ यू आर केपेबल लेक्चर इज हेल्पिंग यू इफ यू आर एबल टू गेट योर एग्जाम्स क्वालिफाइड देन यू कैन डोनेट बट इफ यू डोंट वॉन्ट टू डोनेट कोई बात नहीं आप वीडियो को लाइक करिए चैनल सब सब्सक्राइब करिए उससे भी आप हमारी हेल्प कर सकते हैं ओके okay? Uh, अब बात करूंगा मैं आपको अपने एनवायरमेंट तो कर लिया बट एनवायरमेंट का स्टैटिक पोर्शन कहाँ मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पर मेरी हैंड रिटन नोट्स पर आप देख सकते हैं सारी अपडेटेड पूरी बुकलेट है ये आपको नोट्स जो हों आपके घर पहुंच सकते हैं एन्वायरमेंट के सिर्फ नहीं हर सब्जेक्ट के चाहे आप हिस्ट्री हो चाहे आप जोग्राफी हो साइंस हो याद रखिएगा पॉलिटी हो हिस्ट्री की मॉडर्न हिस्ट्री हो सारे हैंड रिटन नोट्स आपको मिल सकते हैं ये नोट्स अगर आपको मिल जाएंगे तो करंट अफेयर्स प्लस ये नोट्स आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में बहुत हेल्प करेंगे याद रखिएगा नोट्स प्लस क्लास इस दोनों का एक पूरा कंप्लीट पैकेज है लिंक बॉक्स में आप चाहें, तो लिंक क्लिक करके उस को कर सकते हैं, आपके घर पहुंच जाएंगे आप, आप, आप घर में प्रिंट आउट करा सकते हैं वो भी आप कर सकते हैं आप याद नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ आप इसमें व्हाट्सएप करिए मैं आपको सैंपल भेज दूंगा ठीक है आपको पसंद आता है आप इन नोट्स को ऑर्डर कर सकते हैं कम टाइम में याद रखिएगा कश्मीर से लेके कन्याकुमारी से लेके अरुणाचल प्रदेश तक गुजरात तक हर स्टेट में हमारे नोट्स अवेलेबल हुए याद रखिएगा हम उसको कोरियर करवा सकते हैं इवन हम आंडेमान निकोबार की बात करेंगे वहाँ पर भी हमारे कोरियर जाते हैं ओके सो इफ़ यू वॉन्ट टू ऑर्डर द नोट्स आप नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया आप कॉन्टैक्ट करिए आप हमारे यार रखिए लिंक दिए हुए हैं सब्जेक्ट से आप वहां पर जाकर सब्जेक्ट से क्लासेस भी देख सकते हैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन है कोई डाउट करिए को ना आप मुझे कॉन्टैक्ट भी करिए ओके यूपीएससी की प्रिपरेशन करें आपने देखा किस तरह मैंने क्वेश्चन अभी आपको टॉपिक कराया हुआ है इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ठीक है और वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हो इतना सब पढ़ के जाते हो बट क्वेश्चन नहीं बना पाते हो तो यहाँ पर मैं आपको प्री मेन्स की पूरी तैयारी लाइफ टाइम एक्सेस दूंगा मैं आपको जिंदगी भर का एक्सेस रहेगा प्लस आपको याद रखिएगा साथ साथ में टेस्ट सीरीज से लेकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर राइटिंग सब कुछ कराऊंगा एनसीआर के साथ उसके लिए आपको करना क्या है उसके लिए आपको मेरे नीचे मैंने लिंक मेंशन कर रखा है आप जाइए विजिट करिए लिंक को क्लिक करके और उन कोर्स को एनरोल कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट को रही है ना आप मेरे कांटेक्ट नंबर पर कांटेक्ट करिए मैं आपको हेल्प करूंगा आप किस तरह कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं कम टाइम पे एग्जाम क्वालिफाई कराना है तो आप सही जगह पर आए हैं हम टाइम वेस्ट कम और एग्जाम में टू द पॉइंट डिस्कस ज्यादा करते हैं ऐसे इनिशिएटिव्स को आपको लाइक करना बनता है याद देखिए लाइक करिए इसमें और ऐसे इनिशिएटिव्स मैं आपके लिए ला सकूं ओके चैनल को सब्सक्राइब करिए एक बार आप विजिट करिए हमारे चैनल को आपको अगर अपडेटेड लगता है आपकी हेल्प हो रही तो ही सब्सक्राइब करिएगा और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए उनको बताइए टू द पॉइंट कैसे पढ़ाई हो सकती है ओके कोई डाउट की वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं सो थैंक यू एविवन जय हिंद जय भारत